रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے پاک نام سے جو بڑا مہربان और नहायत रहम फरमाने वाला है। जब अल्लाह की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई और तुमने देख लिया कि लोग गौल के गौल अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मगफरत मांगो। बेशक बेशक वो माफ़ फरमाने वाला है। सदकल्लाहुल अज़ीम। तमाम नाज़रीन, तमाम देखने वाले जहाँ जहाँ भी पीटीवी की यह लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उनको हमारी तरफ से पीटीवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि हर रोज़ की तरह आप जहाँ जहाँ भी हैं खैर व आफ़ियत से हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आखिरी मराहिल की तरफ आखिरकार पहुंच गया। जहन्नम से निजात का अशरा, अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल हो रही हैं, बरकतें नाजिल हो रही हैं और रब ताला से हमें
जहन्नम की आग से निजात की दुआ करनी है। अल्लाहुमा अजरना मिनन्नार या अल्लाहुमा अजरनी मिनन्नार के ए रब ताला, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मालिक, हमें बचाइए दोजख की आग से, जहन्नम की नार से, जहन्नम की आग से हम सबको, मुझे आपको अल्लाह ताला बचाए। यही हमारी दुआएं होनी चाहिए, यही हमारा वजीफा होना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आज बहुत ख़ास दिन है। सबसे पहले तो आप सबको जुमातुल मुबारक, यानी कि जुम्मा का जो ख़ास दिन है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ, चूँकि ये मुसलमानों के लिए इंतहाई ख़ास दिन है। एक यहूदी को जब ये मालूम हुआ कि जुम्मे के दिन की इस कदर फजीलतें हैं, कि जुम्मे के दिन इस कदर रहमतें नाजिल होती हैं, कि जुम्मे के दिन इस कदर बरकतें नाजिल होती हैं, कि जुम्मे के दिन अल्लाह अपने इनामात देता है, तो वो यहूदी कहने लगा कि अगर हमारी कौम को जुम्मे की ये फजीलतें और बरकतें मालूम होती तो हम हर जुम्मे को ईद मनाते। यानी कि रब ताला ने इस दिन में, इस दिन की इबादात में अपना ख़ास ख़ास फ़ज़ल शामिल किया है। और नाज़रीन गिरामी, चूँकि रमज़ान का बाबरकत महीना और फिर उसमें जुम्मे का दिन, नाज़रीन गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो मेरी नज़र से गुजरी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिनों में से सबसे बेहतरीन दिन जब सूरज निकलता है तो वो जुम्मे का दिन है, चूँकि क़यामत भी इसी दिन बरपा होगी, चूँकि आदम अलैहिस्सलाम को भी इसी दिन बनाया गया, उनको जन्नत में भी इसी दिन दाखिल किया। और जुम्मे के दिन से बेशुमार रवायात है जो नबियों, पैगंबरों, औलिया अल्लाह से मंसूब है। नाज़रीन गिरामी, जुम्मे के दिन एक ख़ास वजीफ़ा जो हमेशा बहुत सी जगहों पर बताया जाता है, सुनाया जाता है, हम भी उसको रिपीट करते हैं कि असर की नमाज के बाद उसी जा नमाज पे बैठे बैठे 80 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलि वसल्लम तस्लीमा दरूद शरीफ का विर्द किया जाए और 80 मरतबा कम से कम पढ़ा जाए, तो कहा यह जाता है कि आप इससे पहले कि अपनी नमाज की जगह से उठेंगे, अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारे 80 साल के गुनाह बख्श देगा। इस तरह बहुत से जुम्मे के दिन की फजीलतें और दरूद पाक की फजीलतें तो हैं, जिस तरह से हमने कल जिक्र किया अलामा मोहम्मद इकबाल का, तो अलामा इकबाल ने 125 करोड़ दरूद पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। और ये भी अलामा इकबाल ने कहा कि मैं मानता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी ज़िंदा हैं और उनका फैज़ बेशक जारी और सारी है। नाज़रीन गिरामी, हर जुम्मे को हम ये बात भी रिपीट करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दुरूद व सलाम खुद सुनते हैं, और 70,000 से ज़्यादा मलाइका, नाज़रीन गिरामी, 70,000 से ज़्यादा मलाइका हर वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर, उनकी ज़ियारत पर, उनकी जगह पर आके सलाम पेश करते हैं, और फिर हमारा नाम लेकर के, हमारा नाम लेकर के रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा पड़ावा दरूद व सलाम पहुंचाते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज हम ये कोशिश करेंगे कि हम सारा दिन, जब भी हमें वक्तन फवक्तन इस ट्रांसमिशन के दौरान भी हम दरूद पाक की बात करें, दरूद व सलाम भेजें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और आप जहाँ जहाँ हैं, वहाँ पर जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, जिधर भी मौजूद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रसूल अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलि वसल्लम पर दरूद व सलाम ज़रूर भेजिएगा। इस दिन के अलावा जुम्मे का दिन, आप देखिए नाज़रीन गिरामी, अल्लाह की कितनी बरकतें हैं हम मुसलमानों को, मुझे आपको नसीब होती हैं कि ये ख़ास लम्हात, ख़ास घड़ियाँ जो हैं अल्लाह पाक ने हमारी बरकतों के लिए, बेशक ताकि हमें वो बख्श दे, इसलिए ये घड़ियाँ बनाई हैं। अब जब रमज़ान का बाबरकत महीना हो, उसके साथ ये जुम्मे की घड़ियाँ हों, जुम्मे का दिन हो, और फिर सबसे बड़ी जो मुसलमानों की फतह है नाज़रीन गिरामी, जो दुनिया में 5 सबसे बड़े वाक़यात हैं, जिनमें से एक वाक़या जंगे बद्र था जिसका हमने ज़िक्र किया, जो मोजज़ाती जीत थी मुसलमानों की, और दूसरी फतह मक्का। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आज ही का दिन फतह मक्का का दिन है, और आज हम मुसलमानों की जीत का दिन है, आज हम मुसलमानों की सेलिब्रेशन का दिन है।
आयतों में से कईयों ने नारा बुलंद कर दिया कि आज बदले का दिन है, आज बदले का दिन है, सब डर के छुप गए कुफार। लेकिन रसूल ने कहा कि नहीं, आज माफी का दिन है, आज माफी का दिन है। किसी ने दुनिया की तारीख में ना ऐसी फौज देखी ना ऐसा सिपा सालार देखा कि जो यूं सर झुका के अल्लाह का जिक्र करते हुए लब्बैक का नारा लगाते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मक्का में दाखिल होता है और कहा कि मैंने माफ़ किया जो काबे में है उसको माफ़ किया, जो अबू सुफियान के घर में है उसे माफ़ किया, एक एक जो दरवाजे घर के बंद कर ले उसे माफ़ किया, जो हम पे मज़ाहमत ना करे उसको माफ़ किया। जनाब रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में गए, उन्होंने अपने हाथ में उनके असा था, एक एक बुत तोड़ते चले गए, बुत तोड़ते चले गए। बड़ा बुत जो हुवल था वो ऊपर था, उसको जनाब रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह से कहा कि अली इस बुत को गिराओ। जनाब अली ने उस बुत को गिराया। जनाब बिलाल हबशी को कहा कि अब तुम अजान दो यहाँ खड़े होके। जनाब बिलाल हबशी ने काबे के ऊपर खड़े होके अल्लाह की किबरियाई अल्लाह अकबर बयान किया। और दोस्तों इस तरह वो रहमतुल्लिल आलमीन को परवरदिगार आलम ने ऐसा फातह करार दिया, ऐसा फातह करार दिया कि ना कोई खून बहा ना कोई बदला लिया गया। जो जो आता गया रसूलुल्लाह के हाथ में बैत करता गया, रसूलुल्लाह से माफ़ी मांगता गया। वो रहमतुल्लिल आलमीन, वो रहमान और रहीम का नुमाइंदा, उसने अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ़ कर दिया। तो ये फतह मक्का 8 हिजरी में 15 जनवरी 630 ईस्वी में वाकई हुई। कैसा लगा जनाब आपको? जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत सबक आमोज वाकया। और ये आज का दिन बड़ा स्पेशल है मुसलमानों के लिए, ये फतह मक्का का दिन है, यानी कि वो फतह। कहते हैं दुनिया में जो 5 ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने दुनिया की हिस्ट्री बदल दी, उनमें से एक जंगे बद्र का वाकया हमने शुरू में बताया, और दूसरा फतह मक्का का जो वाकया कि आज बग़ैर किसी वॉर के, बग़ैर किसी जंग के, अमन व अमान के अंदाज में, बेहतरीन तरीके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 10,000 से ज़्यादा मुसलमानों की फ़ौज दाखिल हुई। और हर एक को सबसे पहले, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उनको बताना, कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चों को कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, बूढ़ों को कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, औरतों को कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, दरख्त, पौधे, एनिमल्स, चरिंद, परिंद, जितने लोग हैं, बीमार अगर जवान हैं उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर आप पे कोई हमला करेगा तो आप सिर्फ डिफेंसिव हमला करेंगे, यानी अपने आप को बचाने के लिए, आप किसी को मारेंगे नहीं। और फिर जितने लोगों ने इतना बुरा जितना सलूक किया हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपने उन सब को माफ़ कर दिया, जो कि सबसे बेस्ट आदत है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि जैसे फतह मक्का की बात हम करते हैं, हमारा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान वजूद में आने से पहले बहुत फसाद, लड़ाई, झगड़े हुए, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बग़ैर किसी जंग के, बग़ैर कोई हथियार उठाए हुए, अपनी अकल से, अपनी एजुकेशन से और अपने दोस्तों के साथ विजडम से, जिस तरह हमें पाकिस्तान दिया, वो भी एक बड़ी मिसाल। वो 27 रमजान को हम पाकिस्तान डे मनाएंगे। आपको शेख साहब क्या कहेंगे, आप कितनी जबरदस्त। अच्छा, ये जो आपके, सॉरी फतह कलामी, आपने भी जो बताया, ये रसूल अल्लाह का कोड ऑफ वॉर था, हर जंग में यही हुक्म था। बिल्कुल, बिल्कुल। ना औरत, ना बच्चा, ना बीमार, ना दरख्त, ना खेती, ना कोई प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा। जी शेख साहब। खालिद, मैं तो आई एम सो इम्प्रेस, आप माशाल्लाह, आपकी नॉलेज से माशाल्लाह, ये तो इनका एक अलहदा रूप खालिद का मैंने देखा है। बिल्कुल। और खालिद के लिए बहुत सी तालियां, खालिद आनंद के लिए, अल्लाह से हम अल्लाह से अजर के ख्वाह हैं। हमारी ये छोटी सी कोशिश जो पीटीवी कर रहा है, इन बच्चों तक हम दीन का पैगाम पहुंचा दें। बिल्कुल सही है। और हमें भी आ जाए। ठीक है जी, शीश आइए यहाँ पे हमारे पास, शीश आइए यहाँ पे, और ये बताइए कि कल का सवाल क्या था और कौन जीता है और उसको क्या मिलेगा। कल का सवाल ये था, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कौन सी खूबी सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस उनकी कौन सी खूबी थी, क्या जवाब था इसका सही वाला? इसका जवाब सही वाला ये था, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र। सब्र यानी कि पेशेंट, यानी इतने पेशेंट से वो, इतना उन्होंने जिंदगी का अरसा गुजारा कि उनकी पेशेंस की मिसालें देते हैं कि वो सबसे, ही वाज द बेस्ट, यानी खामोशी से बैठे रहे, इतना प्रॉब्लम भी हुआ लेकिन कभी तंग नहीं किसी को किया। ठीक है, और इनाम में कौन जीता, किसको क्या मिलेगा, ये बताइए। 19 रमजान विनर इज करीम फ्रॉम बिन कासिम। करीम फ्रॉम बिन कासिम के लिए तालियां। और इनको क्या मिलेगा?
स्मॉल ब्रैकेट की तरफ से गिफ्ट। जबरदस्त हो गया, ये तो हो गया जी कल का सवाल। तो आज का सवाल क्या है हमारे पास? ये सवाल किससे? ये बताइए, जो ऑन एयर देख रहे हैं, टीवी पे, ठीक है, वो आपको सामने देख रहे हैं, उनको बोले, वो देख रहे हैं, ये कैमरे में देख रहे हैं, ठीक है। फतेह मक्का में मुसलमानों की फौज कितनी थी? ये तो मैंने भी रिपीट कर दिया, खालिद साहब ने भी बता दिया, सबने बता दिया। फतेह मक्का में मुसलमानों की फौज कितने लोगों की तादाद थी, कितने पर मुश्तमिल थी? ये ऑन एयर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए सवाल है, आपको इसका कल हम बताएंगे कल सही जवाब क्या है और कौन जीता है। और आज का जो यहाँ के बच्चों से सवाल है वो ये है, काबा की छत पर खड़े होकर पहली अजान किसने दी थी? ये बच्चा बोले भाई, इनको दो छोटू, ये दो बेटा ने बोला, हजरत बिलाल हबशी ने। अच्छा आई मस्ट से कि अगर हम चांस दे देना, ये जो हमारा एक ये जो आप सीनियर से साथ बैठता है ना, इसको हर चीज याद होती है, ये बहुत याद याद कर लेता है, सुनता है, अच्छा सुनता है गौर से। अच्छा फिर रोज यही जीत रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं किसी और को भी चाहते हैं। हाँ, असल में पहले बोल चुका था, ठीक है। एक और सवाल, अच्छा एक और सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो अंग्रेजी महीना तारीख और साल कौन सा था? हाँ देखिए पहले, अच्छा तुमसे पूछ लेंगे, पूछेंगे, लेकिन अब वहां देखिए किसी को याद है कि नहीं, आप में से किसी को याद है? हाँ उसको सब पता है, मैं बताता हूँ, वो है 39 जनवरी। ये कौन सा होता है भाई? 39 जनवरी तो होता ही नहीं है। अच्छा तो मैं, मुझे नहीं पता, जलेरिया ने मुझे बताया था। अरे गलत बात नहीं था। डीडी वेट, नो नो, कोई बच्चा बता दे, कौन बताएगा हमें, कौन बताएगा? ऑडियंस में कोई नहीं है, चलो भाई इसको ला माइक दो, शाबाश अली। 15 जनवरी एंड ईयर इज 630। वेरी गुड भाई, ये बहुत गौर से सुनता है बच्चा। फोर्नो की तरफ से गिफ्ट है, पर हम देंगे फोर्नो का गिफ्ट हैंपर दे दे ये अली को। अच्छा बेटा खाल साहब एक और सवाल करें। अच्छा एक ये आपसे सवाल, दूसरा है कि उस वक्त कुरैश के सरदार जो थे उनका नाम बता दें, पता मक्का के वक्त 4-6 दफा मैंने नाम लिया, बड़ों को आता होगा। ये तो जरा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन, ये नहीं आ रहा, किसी को नहीं मालूम, बताइए। वो साहब है, हां उनको माइक दीजिए, माइक दे, जाओ जाओ शीश, दौड़ के जाओ शीश, माइक, ये माइक पड़ा सामने, ये पड़ा है ना ये, हां अरे वो भी पड़ा था यार टेबल, शीश की ट्रेनिंग कराने गेम शो के लिए। हां हम इसको फ्यूचर का हमारा जो गेम शो होगा शीश। अच्छा सुनो भाई, अबू सुफियान। जनाब अबू सुफियान, बिल्कुल ठीक जवाब है। एसपीजी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए, जाओ भाई जल्दी जाओ, जल्दी से गेम शो होस्ट हमारे, एसपीजी का गिफ्ट हैम्पर इनके लिए। खाल साहब एक और सवाल की। अच्छा जब ये बताइए तो ये वो और से ही आसान है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे अबू सुफियान आए थे तो कौन सी उम्मुल मोमिनीन के पास गए थे? उन उम्मुल मोमिनीन का नाम बताइए। ये तो भाई हमने तो इस्लामियात में 5वीं जमात में पढ़ा हुआ है। अब ये तो अभी मैंने नाम लिया था जो जनाब अबू सुफियान की दुख्तर थी। उधर हाथ उठा रहे हैं, भाई जाओ 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 गेम शो। क्या वो माइक चल रहा है? हजरत उम्मे हबीबा। हाँ ये किसने बोला? वो सामने। अरे वेरी गुड, बोल दिया ने, शाबाश जनाब हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन। ये एसएम खान मक्का की तरफ से। अच्छा जनाब ये सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा। शेख साहब, जावेद शेख साहब से मेरा सवाल है, वो सवाल ये कि शेख साहब रमजान का ये जो महीना आता है तो सब लोग अपने कामों के फोकस से हटकर फिर नमाज रोजा, और मैंने शेख साहब को, मैंने चूंकि मैं ये बार-बार ये बात बताता हूं, लोग हमारा वन टाइप ऑफ एक्टर देखते हैं स्क्रीन पे, शेख साहब ब्रेक लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार के लिए घर जाते हैं ज्यादातर, अगर बहुत दिक्कत ना हो तो फिर कहीं रुक जाते हैं, वैसे मोस्टली ही गोज, और फिर शूटिंग भी कराते हैं साथ साथ। तो शेख साहब एक्सपीरियंस बताइए अपना, रमजान में किस तरह से रूटीन चलती है? रमजान तो पहली बात तो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में रहूँ, मुझे रोजे रखना पाकिस्तान में अच्छा लगता है, सुभान अल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ कोर्स इसमें ये कहने की बात नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पाकिस्तान में अपनी फैमिली अपने दोस्तों के साथ रहूं, और रोज़ा मैं घर पे खोलता हूं, नमाज मैं ऑब्वियसली कोई नहीं छोड़ता, काम भी करता हूं, और सिर्फ एक दिन हमारा फ्री होता है वो संडे का होता का दिन है बस, और अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 उम्रे कर चुका हूँ, माशाल्लाह।
ओ मुझे याद है शेख साहब, हमारे पास पता नहीं मालूम है कि तस्वीर आपकी है, आप अभी फैमिली के साथ भी सब लोग गए हुए थे। वो भी गए थे उससे पहले, मैं, बैरोज, इस्माइल तारा, माय ब्रदर सलीम, वो हम सब गए थे रमजान का महीने में। रमजान के महीने में हमने उसका एक्सपीरियंस बताया। पहला उमरा जब आप जाते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस होता है? अरे बस मैं आपको बता नहीं सकता। पहले तो आप जब हम खाना काबा को जो देखने का जो मंजर है ना, वो आपकी आंखों से, वो एक लिफ्ट है वहाँ पे जहाँ से हम आ रहे थे, तो एस्केलेटर है, सॉरी लिफ्ट है, तो वो एस्केलेटर से जब आप नीचे आते हैं तो आपको खाना काबा नजर आना शुरू होता है। तो जैसे ही वो आपको नजर आना शुरू होता है तो आपके आंसू नहीं रुकते। ये बस बंदा कांप जाता है कि मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ, यानी कि मैं खुदा के सामने खड़ा हूँ और अपनी सारी चीज़ें आपके, आपने जो ऑब्वियसली अपनी माफियों के लिए बंदा जाता है, आपने बहुत सी ऐसी उससे माफी कर। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ हम बचपन से, चूंकि खाना काबा अक्सर जाए नमाज भी बना होता है, घरों में तस्वीरें भी होती हैं, हम लोग टीवी भी देखते रहते हैं, तो लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं तो वो एक अजीब एक मैं आपको बता नहीं सकता कि जब आप पहुंचते हैं, दुनिया आप घूमे होते हैं, आपने न्यूयॉर्क देखा है, आपने पेरिस देखा है, आपने लंदन देखा है, आपने वीनस देखा है, सब कुछ देखा हुआ है, मगर जब आप वहाँ जाएंगे मदीना मुनव्वरा या खाना काबा, आपको जो सुकून मिलता है, आपका दिल नहीं करता कि आप उठे वहां से। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जबरदस्त बात है। तो शेख साहब, अभी जब फैमिली के साथ गए थे तो शहजाद मोमल थी और शहजाद भाभी सब लोग एक साथ थे, तो वो एक फैमिली के साथ, तो एक ये किसने प्लान किया था कि फैमिली जाएगी सब? ये मोमल, मोमल का प्लान था। मुझे लगता है ये मोमल जो है ना, शी इज माशाल्लाह, शी इज वन ऑफ दोस जवेरिया जो सबको ना साथ जोड़ती है। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यार, बहुत शेख साहब के दोनों बच्चे, आई मस्ट से शेख साहब, क्योंकि शहजाद साहब ने अभी प्ले किया है देख तमाशा, वो सवाद पे हमने शूट किया। अच्छा, हाँ, वो उसमें शहजाद, मैं, हिबा और बहुत उसमें काफ़ी लोग हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्ले है, आने वाला है। और शहजाद से वैसे भी दोस्ती है, इतने अच्छे शेख साहब के दोनों बच्चे हैं, मोमल के साथ भी हमारी बड़ी दोस्ती है, कि मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि यार क्या जबरदस्त ट्रेनिंग है इन दोनों बच्चों की, बहुत तमीज वाले। मैंने पहला जो ड्रामा किया था, जो पहली एक्टिंग की थी, वो हमारा ये जिंदगी है ड्रामा किया था। और मुझे कहती थी कि जवेरिया आप मेरा बस उर्दू ठीक कराए बस आप। अच्छा शेख साहब बता रहे थे वो जो काबे पे नजर पड़ने वाली, अगर आप जानते तो एक छोटा सा वाकया उससे रिलेटेड। जब रसूल अल्लाह ने, सब जानते हैं कि एक ही हज किया, वो 10 हिजरा जो आखिरी जो पहला बड़ा हज था वो एक ही था, तो रसूलुल्लाह ने ये मनादी करा दी थी कि अगले दिन ये खास आज अल्लाह ने नाम दिया है कि जब काबे पे नज़र पड़े तो जो दुआ मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। अब वो शाम था, अगले दिन काबे में सब ने दाखिल होना था, अब सब परेशान, सबकी अगर एक कोई चीज़, अभी मैं किसी से पूछ लूँ भाई क्या मांगना चाहते हो, आपके पास तो इतनी चीज़ें हैं, आप घबरा जाएंगे क्या मांगूँ, गाड़ी मांगूँ, पैसा मांगूँ, सेहत मांगूँ, शोहरत मांगूँ, बीवी मांगूँ, मियाँ वो क्या मांगे, तो सब परेशान थे, तो सब बहुत, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, तो उनमें से कुछ लोग गए थे जनाबे जो बाबे मदीनतुल इल्म हैं मौला अली करमुल्ला वजह, उनके पास गए, बोला मौला आप कुछ हमारी मदद कर दीजिए क्या। तो हज़रत अली ने कहा अच्छा तुम ऐसा करना, जब काबे पे नज़र पड़े तो सिर्फ एक दुआ मांगना। ना क्या? उसे कहना आप ये दुआ मांगना कि अल्लाह आज मैं जो मांगूँ मुझे मिल जाए। तो जब ये दुआ पूरी हो जाएगी कि मैं जो मांगू मुझे मिल जाए, फिर मांगते रहना, लिस्ट लंबी बना देना कि मैं जो मांगू मिल जाए। तो ये बड़ी अच्छी एक बात है। बिल्कुल। अच्छा जनाब, हमें ब्रेक पे जाना है, यहाँ पे मेरा माइक चूंकि निकल चुका है तकरीबन, लेकिन यहाँ पे नौशाद इमदाद की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, और ये गिफ्ट हैम्पर मैं शेख साहब को देना चाहूंगा। शेख साहब, दिस इज फॉर यू। नौशाद इमदाद इज अ ग्रेट डिजाइनर, और ये गिफ्ट हैम्पर, अब आपके पास दो दो गिफ्ट हैम्पर आ गए, मैं चेक करूँगी कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं रख सकता हूँ, लेकिन खैर ये शेख साहब की चीज़ें। एनीवे, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, शेख साहब हमारे साथ रहेंगे। खालिद भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया बच्चों का भी, और शेख साहब से हम मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे, कुछ ही देर में हाजिर होंगे, देखते रहिए। शेख साहब वहाँ बोले रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। शेख साहब अबे यारे, शेख साहब अबे यारे, शेख साहब अबे यारे, रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक। कितने रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और जनाब हमारे साथ हमारे बहुत ही जबरदस्त सुपरस्टार मौजूद हैं, जावेद शेख साहब। तो शेख साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह, मुझे पता है कि बहुत सी चैरिटी से मुंसलिक हैं और आप हमेशा ये चाहते हैं। मैं पे कराची में, मैं जवेरिया से अक्सर ये बात करता हूँ कि हम जब निकलते हैं रोड्स पे तो इफ्तार का वक्त तो लोग एक दूसरे का रोज़ा खुलवा रहे होते हैं। आप चाहे स्टूडियो में, लाहौर के स्टूडियो में हो, चाहे कराची में हो, तो ये रोज़ा खुलवाने का सिलसिला, लोगों की मदद करने का, चैरिटी करने का सिलसिला, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, मैं समझता हूँ ना, जैसे मैंने हम खाना काबा और मस्जिद नबी की बात कर रहे थे कि जो सुकून मिलता है वहाँ, इसी तरह इसमें भी है। आप अपने लिए बहुत सी कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, सारा कुछ जो आपको पसंद आता है, मगर सही मानों में जब आप लोगों की मदद करते हैं तो उसका एक सुकून, उसका जो अलग ही है, वो उसका मज़ा ही कुछ और है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के अलावा भी मैं ये करता हूँ कि तकरीबन हर दो हफ्ते या तीन हफ्ते के बाद मैं घर में खाना बनवाता हूँ। अब मेरा जो पुराना जो सर्वेंट है उससे कुछ 100 बंदों का खाना बनाता है वो। अच्छा, 100 बंदों का खाना बनाता है मेरे साथ, ये लड़का है मेरे साथ रियाज, ठीक है। हम जाते हैं वहाँ से, वो डब्बे लेके आते हैं और 100 डब्बे बना के 100 खाना, प्रॉपर खाना डाल के उसके अंदर, और फिर साथ में पानी और जूस, और ये फिर शाम को अपनी गाड़ी में खुद निकलता हूँ और हर बंदे को खुद देता हूँ, और उन लोगों को ज्यादा देता हूँ जो थोड़ा सा एजेड होते हैं, उनको रोकता हूँ। फिर जब ऑब्वियसली रोकता हूँ वो आ जाते हैं, तो रास्ते में बस जिनको वो 100 में 10-15 मिनट में वो खत्म हो जाए। कितनी जबरदस्त बात, यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसके अलावा मैं बहुत सी जो ये फाउंडेशंस हैं चैरिटी की, जी, उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। मैंने इंडेस के लिए भी बहुत काम किया है, शौकत खानम के लिए बहुत काम किया है, पूरी दुनिया में जाता हूँ। अभी भी आज शाम को शौकत खानम के चैरिटी डिनर है, वहाँ जा रहा हूँ। कल रात मैं एक लंदन की चैरिटी फाउंडेशन है, उसका नाम है SKT, okay. Spread Kindness Together. उनके साथ मैं था, टेलीथॉन, लाइव टेलीथॉन जबरदस्त चैरिटी के लिए उनकी, यह चैरिटी के लिए जबरदस्त। तो हर साल मैं उनके साथ, अभी हब गया था, उन्होंने वहाँ पर वाटर पंप और वो अच्छा वो लगवाए पानी का, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उनके साथ मैं जहाँ वो राशन बांटते हैं मैं उनके साथ साथ होता हूँ, वो राशन अपने हाथ से बांटते हैं। अभी लाहौर जा रहा हूँ किसी काम से, किसी शो के लिए, बट वो SKT के साथ मिलके वहाँ लाहौर में लोगों को राशन दूंगा। लाहौर में तो बड़ी बात है भाई ये। और मैं आपको बताऊँ, सऊद से मेरी अक्सर बात होती है, तो सऊद हमेशा शेख साहब की कहते हैं कि ये एक वाहिद इंडस्ट्री में शख्स मैंने देखे हैं कि जो कभी किसी की बुराई नहीं करते, नहीं करते, हर एक को अप्रिशिएट करते हैं हर एक की, और कहीं कोई बात हो भी रही होती है तो ये बिल्कुल उसमें हिस्सा भी नहीं, नहीं लेते और हर एक को अप्रिशिएट करते हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। हम जब भी इनकी बात करते हैं, बल्कि अभी कुछ दिन पहले, अभी रमज़ान से पहले, बच्चे बैठे हुए फिल्म देख रहे थे इनकी, मेरे बच्चे इंडियन मूवीज नहीं देखते, वो मेरे बहन के बच्चे आए तो उन्होंने लगाई, तो बच्चे चीखने लगे इनको देख के कि ये तो बाबा के दोस्त हैं, ये तो बाबा के दोस्त हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे ही किसी को किसी मुकाम पे नहीं पहुंचाता, यकीनन उसके अंदर ऐसी खूबियां मौजूद होती हैं कि अल्लाह पाक भी हाथ पकड़ता है और उनकी अपनी मेहनत भी होती है। तो शेख साहब आपके, आपसे सिर्फ सऊद ही नहीं, आप जो भी शेख साहब का जिक्र करता है अच्छा वो इनकी हमेशा तारीफ ही करता है, माशाल्लाह बिल्कुल सही। अच्छा, शेख साहब का इतना माशाल्लाह काम है, करियर है, नाम है हमारे, हम लोग क्योंकि पर्सनली जानते हैं तो हमें पता है कि कितने बेहतरीन इंसान भी उसके साथ। शेख साहब, ये जो एक कामयाबी की सीढ़ी इंसान चढ़ता है, ग्रेजुअली आप सक्सेस हासिल करते हैं, एक तो मुझे ये बताएं कि सक्सेस के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? ऑफकोर्स मेहनत कहते हैं लोग, उसके साथ साथ और क्या चीज़ें चाहिए? दूसरा ये कि जब आप सक्सेसफुल हो जाएं, कामयाब हों, तो आपके बिहेवियर कैसा होना चाहिए लोगों के साथ, ये बताइए। भाई देखें, बात ये है कि ये सक्सेस जो है, यानी कि शोहरत और पैसा जी मेरे हिसाब से आने जाने चीज़ें, ठीक है। जो आप एक इज्जत
कमाते हैं वो लोगों की खिदमत से कमाते हैं। वाह वाह। यू सी, मैं समझता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूँ और बहुत बड़ा हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे उस पर नाज नहीं करना चाहिए। जहाँ अरूज है वहाँ जवाल भी है। तो अल्लाह ताला से हमेशा डर के रहना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना हो। मैंने अपनी लाइफ में 50 साल लाइफ में मैंने आज तक शायद किसी को ऑटोग्राफ या पिक्चर के लिए रिफ्यूज नहीं किया। How sweet is that? Yes. लोग आते हैं तो और अक्सर हम देखते हैं शेख साहब एक्टर्स कहते हैं पीछे हटो, हट जाओ यहाँ से, चले जाओ और क्या मत आना। Yes. और चले जाते हैं, कहते हैं हम तस्वीरें तो उड़ाते हैं। ये बड़ा एटीट्यूड, बड़ा बिहेवियर ये काउंट करता है। ये बड़ा, ये बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो वो क्योंकि देखिए अगर अल्लाह ताला का डर हो आपके जहन में कि यार अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो वो उसको नापसंद हो गया तो फिर मैं तो गया। अच्छी बात, सही तो बात। वो तौबा, मैं वो कभी ऐसा नहीं किया मैंने। और यही चीजें हैं, आपकी लगन, ऊपर वाले पे आपको भरोसा होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा, देखो भरोसे का जल्दी से टाइम तो नहीं, आप आराम से। 2000 में मैं, मेरे पर डाउनफॉल आ गया, ठीक है, सारी पिक्चरें चली गई, फ्लॉप हो गई, कोई मुझे कास्ट नहीं कर रहा था। तो अब वो जो स्टूडियो एवरन्यू फवारा जो था, तो वो जो वहाँ के नाखुदा थे वो आपस में डिस्कस करते थे कि भाई वो जावेद शेख को बोलो अब क्यों ये लाहौर में घूम रहा है, इसको बोलो वापस कराची जाए। तो मैं क्या करता था, मैं, आप यकीन करें, देखे एक बंदा यहाँ पे और फौरन यहाँ पे आ जाए तो वो तो घर से नहीं निकलता। शर्मिंदगी भी, शर्मिंदगी मैंने निकलता, इनसिक्योरिटी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू एसन, मैं अपने कैंट वाले घर से डेली स्टूडियो अपने कमरे में जाता था, बैठता था विदाउट एनी वर्क और वहीं पे ये कान में बातें सुनता था कि ये लोग कहते थे कि इसको बोलो कि यार ख़त्म हो गया, जाए ये वापस। तो वो लोग आके मुझे स्टूडियो में कहते थे कि यार ये कह रहे हैं कि तुम ख़त्म हो गए, तुम जाओ। तो मैं बड़ा आराम से बैठा था। मैंने कहा यार ये कौन होते हैं मुझे ख़त्म करने वाले, वो ख़त्म करने वाले तो वो ज़ात है, जिस दिन वो ख़त्म करेगा मैं चला जाऊँगा, तुम्हारे कहने से तो मैं नहीं जा रहा, मैं इधर ही बैठा। क्या बात है, ये तवक्कुल की बात है। ये देखे, और मैं उधर ही बैठा रहा। आप यकीन करें, मैंने ऑब्वियसली पैसे वैसे भी नहीं थे तो मैंने थिएटर प्ले कर लिया अमानुल्लाह के साथ, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, महफिल थिएटर में मैंने थिएटर प्ले कर दिया। मैं 5 दिन ही मैंने काम किया था, तो 6ठे दिन एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि शेख साहब आपसे कोई बंदा आया है बेल्जियम से, वो मिलना चाह रहा। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वास्सलाम खान साहब, क्या हाल है, ठीक ठाक, मैं बचपन से आपका फ़ैन था, ये है, मैं उधर चला गया, मेरा बहुत बिजनेस हो गया। मैंने कहा फरमाइए क्या कर सकता हूँ। कहने लगा आपसे एक फ़िल्म बनवानी है। मैंने कहा फिल्म बनवानी है, कौन सी फिल्म, ये कितने की बनती है। मैंने कहा 1 करोड़ की, बस 1 करोड़ रुपये की। मैंने कहा हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये 1 करोड़ वाली नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर, बोला वो जो बाहर वाली फिल्में होती है, हिंदुस्तान वाली फिल्में। मैंने कहा वो तो 5 करोड़ की बनती है। कहता बस 5 करोड़ बस। मैंने कहा ये पागल है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, 5 करोड़ ये ऐसे कह रहा है जैसे ये बात कर रहा हो, 2000 2022 साल 60 रुपए का डॉलर था। हाँ जी, हाँ जी। कह रहे 5 करोड़। मैंने कहा हाँ जी, खैर, कह रहे बस ठीक है शुरू कर देते, आप शुरू कर दे। मैंने कहा शुरू कर दे। कोई 2-3 दिन गुजर गए, उसने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए। मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा भाई इसने तो पैसे ही नहीं दिए, ये तो मुझे ऐसे ये लगता है, वो क्या कहते हैं वो जिसको है छोड़ू है बहुत ये लंबा, कोई 5 करोड़ ऐसी भाई। वो 3-4 दिन के बाद उसने मुझे बुलाया, उसने एक थैला दिया, उसमें 5 लाख रुपया था। कहने का मुझे अपना अकाउंट नंबर दे, मैं जा रहा हूँ। उसने 5 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया और मैंने फिल्म बनाई, ये दिल आपका हुआ। सुपर हिट फिल्म। तो मतलब ये है कहने का, वही स्टूडियो जहां मैं बैठा था, जहां इन्होंने मुझे फारग कर दिया था, वही स्टूडियो 18 जुलाई 2002 को मैं फिर अपने कमरे में बैठा था और ये सारे मेरे कमरे के बाहर खड़े थे और वो कह रहे थे कि यार बता दे शेख साहब ये फिल्म आपने कहाँ शूट की, कौन सा कैमरा था, कैसी, और आप हमारी फिल्म में काम करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह बात है, ये बतोइजो मंतशाबत जिल्ल मन, बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। ये शेख साहब ऐसा जबरदस्त, ये देखिए इंसान की जिंदगी में
करियर में इतना कुछ होता है कि हमें मालूम नहीं होता, और अल्लाह पे तवक्कल, अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं कि आपके पास वक्त आया जब कुछ नहीं है तब भी अल्लाह, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ तब भी अल्लाह पे भरोसा। अल्लाह ताला ये वक्त दिखाती है इसलिए कि अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम रखा है। वो कहते हैं ना, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अच्छा, आपको फिल्म में से कास्ट करके निकाल भी दिया शुरू में, एक पॉइंट ये भी था कि आपको फिल्म में किसी, क्या हुआ था वो? तो कराची में मेरी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी, धमाका जो की थी, ठीक है, शबनम के साथ, वो निकाल दिया, वो धमाका कर दिया, खत्म। वो ऑब्वियसली मुझे कोई लेता ही नहीं था, ठीक है। तो दूसरी फिल्म थी जायद शाह की, उसके डायरेक्टर थे जायद शाह, उसमें शबनम थी और शफी मोहम्मद हीरो। अच्छा। तो मुझे सेकेंडरी रोल में रखा उन्होंने, तो मैंने कोई 5 दिन काम किया। तो 5 दिन काम करने के बाद मैं 6ठे दिन जब स्टूडियो गया हूँ, ईस्टर्न स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, मुझे कहने लगा भाई वो आज आपका काम नहीं है। मैंने कहा खैरियत? बोला भाई वो आज रात को आप जबीज होटल कमरा नंबर 100 में आइएगा, एक मीटिंग कर लिए। मैं घबरा गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या बात है। मैं जब गया तो ऐसे 5-7-10 लोग बैठे हुए थे, और मैं जाके मासूमों की तरह ऐसे करके खड़ा हो गया। तो अब वो सारे बैठे हुए, कह रहे हैं भाई बात ये है कि हमने ये फिल्म शुरू की है और लाहौर में एक डिस्ट्रीब्यूटर है नसीम पॉपुलर, वो उन्होंने हमारी फिल्म खरीदी हुई थी, तो वो अब इनकार कर रहे हैं कि आपने एक फ्लॉप एक्टर जावेद शेख को अपनी फिल्म में क्यों लिया, लिहाजा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट पंजाब का है वो मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं वापस कर रहा हूँ। तो आप अगर रहेंगे फिल्म में तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम आपको फिल्म से निकालना चाह रहे हैं, और आपकी जगह वो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है कि फैसल रहमान को लेके आओ। ओके। फैसल रहमान उस वक्त काफी ऊंचा था, उसकी फिल्म एक दो हिट थी, ठीक है। तो अब मैं तो रोने लग पड़ा, मैंने कहा भाई ये तो मैं लोगों को क्या कहूंगा, वो ये है वो है, शूट भी हो गई है, हाँ, भी होता ये है, शूट भी हो गया, सारा कुछ है, ये तो बड़ा मजबूरी है ये। खैर मैं रोते धोते वहां से निकल आया, और मेरी जगह अब नेक्स्ट डे बड़ा फिल्मी सीन था, मैं स्टूडियो में अपने कपड़े लेके निकल रहा था, तो इधर से फैसल रहमान आ रहा था, आपस में टाकरा हुआ, एक दूसरे को देखा, उसने बड़े ऐसे करके देखा, मैं बड़ा ऐसे करके निकल। खैर वो फिल्म लगी, वो फिल्म हिट हो गई, हिट हो गई, ठीक है। उसके बाद खैर भूल गए, 83 में अनकही आया, सुपर हिट। अनकही ने एक तबाही मचाई, ठीक है। अनकही को देख के लाहौर में नजर शबाब साहब और सतीश आनंद साहब, इन दोनों ने डिसाइड किया कि यार भाई इस जावेद शेख को फिर ट्राई करते हैं। तो वो फिल्म बना रहे थे कभी अलविदा ना कहना, उसमें मैं फिर हीरो और शबनम हीरोइन, और वो तो वो ये बारह अल्लाह का। नाइस शेख साहब, क्या बात है शेख साहब, यू आर अ सुपरस्टार, यू वर अ सुपरस्टार, और आप हमेशा इंशाल्लाह सुपरस्टार रहेंगे। जाते जाते कोई आखिरी मैसेज लोगों के देना चाहते हैं रमजान के हवाले से? बस रमजान के हवाले से बस यही है कि अल्लाह मियाँ सबको खुश खुर्रम रखे, आप एक दूसरे की मदद करें। मैं समझता हूँ कि आपको लोगों की मदद करके जो खुशी होती है वो, उसमें मैं समझता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जो लोगों का जो प्यार आप, मैंने देखा है ऐसन कि बहुत सी चीज़ें मुझे याद आ गई। मैं खैर नहीं आओ शेख साहब, लोगों की मदद करना बस यही है, यही काम है एहसन, यही काम है लोगों की मदद जो है ना, और इस महीने तो जितनी नेकी कमा सकते हैं आप कमाएं, ठीक है जी। शेख साहब वी लव यू, आप पाकिस्तान की जान शान आन है जनाब। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे जनाब, आगे बढ़ेंगे, दुआओं का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन, और अभी कुछ ही घड़ियों में, कुछ लम्हात में हम लोग दाखिल हो चुके हैं मगरिब की जानिब, और जो बड़ी रात है, पहली ताक रात जो है उसका भी आगाज़ हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी बहुत कीमती लम्हात हैं, और जिस तरह ये बाबरकत महीना चल रहा है और ये आखिरी 10 रातें, फिर 10 रातों में आखिरी जो ताक रातें हैं
उनकी बड़ी फजीलत है नाज़िर गिरामी। आज जितना भी हो सके हम दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला से मग़फ़रत मांगेंगे, अपनी और आपकी दुनिया और आखिरती कामयाबी मांगेंगे और इस मुल्क के पाकिस्तान वतन अज़ीज़ की सुरखरू ही मांगेंगे इंशाल्लाह। और अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। PTV की जो दुआ हर रोज़ मौलाना बशीर फारूकी साहब करते हैं, आइए उस दुआ में शामिल होते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, बतुफ़ैल रहमतुलिल आलमीन, बतुफ़ैल उम्मत रहमतुलिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अम्बिया सिद्दीकीन, शहदा सालहीन, बारी तला 20वें रोज़े की इफ्तारी के में तेरे बंदे तेरी बंदियाँ यहाँ रूए ज़मीन पर कहाँ कहाँ जमा हैं। और ये वो रोज़ा है कि अब जैसे ही रोज़े का वक्त ख़त्म होगा तेरे बंदे एतकाफ़ में बैठ जाएंगे और फिर ये पहली रात होगी ताक रात जिसके बारे में तेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुला फरमान है कि शब कदर को रमज़ान की ताक रातों में तलाश करो। तो आज की रात से तेरे बंदे शब कदर की तलाश में पूरी पूरी रात इबादत में लग जाएंगे। वह अल्लाह, ये 20वां रोज़ा बड़ा अहम रोज़ा है। 8 हिजरी में फ़तेह मक्का भी 20वें रोज़े को हुआ था। फ़तेह मक्का के वक्त जो रहमतें नाज़िल हुई थी, तो जो उस रहमतों का वास्ता, जो उम्मत पर एहसान हुआ था उस एहसान का वास्ता, और मुसलमानों को जो सुरखरुई नसीब हुई थी उस सुरखरुई का वास्ता, या अल्लाह मुसलमानों के हालात पर रहम कर दे। हम सारी उम्मत की इस्लाह फरमा, इस्लाह फरमा, इस्लाह फरमा। ज़ाहिर और बातिन की बेहयाइयाँ और बदनवानियाँ हमसे दूर कर दे। हम सारी उम्मत की मुश्किलात हल कर दे, हल कर दे, हल कर दे। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, और कर बलाएं रद्द शहीद कर बला के वास्ते। लाखों बलाएं हैं और करोड़ों दुश्मन हैं, पूरी दुनिया का कुफर हमारा दुश्मन है परवरदिगार, तुझसे दुआ है कि लाखों बलाओं और करोड़ों दुश्मनों से हमें बचा ले। हम पर और पूरी उम्मत पर रहमो करम फरमा, रहमो करम फरमा, रहमो करम फरमा। इज्जत आबरू जान माल ईमान औलाद की हिफाजत फरमा, हर नागहानी आफत से बचा ले। पिछड़ों को मिला हमारे हालात की इस्लाह फरमा, हमारे हालात की इस्लाह फरमा। हमारे भाई भी ताल्लुकात अच्छे कर दे, हमारी उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा, और हमारे दिलों को इल्म हिकमत का नूर अता फरमा। इस्लाम पर, दीन इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमा। हमारा मुल्क क़यामत तक कायम दायम रहे, हमारी सरहदों की हिफाजत रहे, हमारी पाक फौज की मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो जलवा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب العالمين رمضان باكستان رمضان रुख खैरुल बशर सामने हो अगर रुख खैरुल बशर फिर इबादत का कितना हाँ मजा आएगा दिल में है आरजू वो जो हो सामने हो अगर रुख खैरुल बशर बोले इब्ने अली करबला में सुनो घर लुटाना भी है सर कटाना भी है बोले इब्ने अली करबला में सुनो घर लुटाना भी है सर कटाना भी है जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा फिर शहादत का कितना हाँ मजा आएगा सामने हो अगर रुख खैरुल बशर और बाग जन्नत में रिजवान रोके हमें ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों गुनाहगारों को जन्नत में खड़े दरबान रोकेंगे हुक्म होगा कि जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद की बाग जन्नत में रिजवान रोके हमें ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये फिर इजाजत का कितना हाँ मजा आएगा जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये फिर इजाजत का कितना हाँ मजा आएगा सामने हो अगर रुख खैरुल बशर और मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए मेरी लेने खबर आया कागर मेरी लेने खबर आया का अगर फिर आयादत का कितना हाँ मजा आएगा सामने हो अगर रुख खैरुल बशर
सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब जनाब, आगे बढ़ते हैं। शुरू यहाँ से, अब करबल की बात है। हैदर की ज़र्ब लग गई, हैदर की ज़र्ब लग गई, दिन भी स्याह रात है। जनाब हम इस वक्त 21वीं शब में दाखिल हो चुके हैं, शब कद्र, जिसको हम ताक रात कहते हैं, वो भी है, और इमाम अली का भी जिक्र रहेगा इंशाल्लाह ताला कल। और इमाम अली का एक कौल जो मुझे, जिसका ख्याल आया, कि जो अल्लाह ने ऐब पे पर्दा पोशी रखी उसमें भी हिकमत है। अगर तुम लोगों को एक दूसरे के ऐब ज़ाहिर होने लगें तो तुम लोग एक दूसरे को दफनाना छोड़ दो। यानी कि अल्लाह ने दूसरों की ऐब को छुपाने में भी एक हिकमत रखी, और हमें भी यही हुक्म है। जनाब आज का दिन भी खैर व आफियत से गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि बाकी के रोज़े भी अल्लाह ताला हमारी मग़फ़रत इस माह रमज़ान में कर दे इंशाल्लाह ताला। दुआओं में सबको याद रखिएगा इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले सार में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में। रमजान पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान। हाथ किसी का पकड़ो और इमदाद करो, गम की कैद से खुशियों को आजाद करो। खल्के खुदा को देखो, अल्लाह याद करो। रमजान पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान है। रमजान